राम राम भाई सभी लोगों को। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देते हैं कि भाई आज करने क्या वाले हैं हम। तो भाई आज की वीडियो में मैं ये सोच रखा हूँ भाई, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप प्लीज़, जैसे आपको वोटा 4501 का जो स्पीड बढ़ा रखे हो वो कैसे किए हो ये चीज़ हमें बता दो। तो भाई मैंने सोचा कि अब अगर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं भर भर के मेरे पास, तो भाई हम क्यों ना बता दें। जिन भाइयों को करना है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, वो कर सकते हैं, बस थोड़ी वारंटी में प्रॉब्लम होगी, तो कोई ना, बाकी खास कोई इतना अंतर नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं बाहर, और धूप तो हो ही रही है, हवा भी चल रही है, बट कहीं छाए में ट्रैक्टर ले चलेंगे और सारी चीज़ें आपको वहाँ भाई डिटेल में बताएंगे कैसे क्या करें आप, जिससे स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं ट्रैक्टर की। तो बिना देर किए हुए भाई चलते हैं बाहर, और ट्रैक्टर भी भाई छाए में खड़ा होगा। आज सुबह भाई जुताई के लिए गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज़ भाई मैं लखनऊ गया हुआ था, आपको बताया था कि मुझे लखनऊ जाना है। तो लखनऊ भी मैं गया तो उसी दिन ही वापस आ गया, वहाँ रुका नहीं था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं शूट किया। बाकी चलते हैं अभी ट्रैक्टर को निकालते हैं बाहर और सारी चीज़ें करते हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कैसे आप ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा सकते हो भाई, एकदम एरोप्लेन बना सकते हो, तो वो चीज़ें आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो भाई सबसे पहले जाओ भाई, सुन लिया करो बात पहले, सबसे पहले जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन, बेल वाली बटन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए और मेरी सारी वीडियोस तक आप पहुंच सको। तो निकलते भाई बाहर, और ये देखो भाई बाहर का नज़ारा क्या सीन है भाई, मौसम देखो आप, सिर्फ देख रहे हो क्या खतरनाक हवा चल रही है और धूल कितना उड़ रहा है। बाकी भाई ट्रैक्टर तो अपना इधर ही खड़ा है, पीछे का साइड भाई छाँव में नहीं है, लेकिन आगे का साइड छाँव में है ट्रैक्टर का। तो भाई होपफुली कि भाई सीट तो ठंडा ही होगा, क्योंकि भाई सीट पर बैठने के बाद आपको तो भाई एकदम पता होगा कि मतलब क्या हाल हो जाता है, और धूप में मेरी आंख बंद हो रही है, तो भाई इसको माइंड मत करना। बाकी हम ट्रैक्टर को वहां लेके चलेंगे, वहां थोड़े छाँव है तो भाई छाँव में ले चलेंगे और वहीं पर ही करेंगे सिस्टम हैंग, क्या चीज़ें हैं इसमें क्या नहीं है। तो भाई साहब पहले हम ले आते हैं इसकी चाबी, और भाई चाबी जो कि मैं भूल ही गया लाना, अब फिर से मुझे इस धूप में जाना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं, बाकी आप देखते रहो पूरी वीडियो, क्या करने वाला हूँ मैं और क्या चीज़ है। भाई एक प्लास की ही सिर्फ ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक प्लास से ही कर सकते हो भाई इसका स्पीड ज़्यादा और कम। भाई साहब फाइनली देखो प्लास मिल गया है भाई, किसकी नाक पकड़ के खींचूं मैं इससे, ये लो खींच लिया मनई के। तो भाई इधर देखो, इधर है चाबी, चाबी भी हम ले लिए, और भाई अब आपको सिस्टम दिखाएंगे कि आप ट्रैक्टर की स्पीड कैसे एरोप्लेन जैसी बनाओ। लेकिन भाई एक चीज़ का ध्यान रखना यार, मतलब एरोप्लेन देखो, एरोप्लेन मत बनाना नहीं तो उड़ जाओगे आप आसमान में। अब चलते हैं भाई कड़क वाली धूप में, और पहले करेंगे भाई ट्रैक्टर को बाहर। और अभी जानते हो क्या हुआ भाई, अचानक से मैं जा रहा था, और ये जो दिखाता हूँ आपको भाई, यार कुछ भी हो जाता है साला। अभी ये जो यार यहाँ पे ईंट है ना, ये देखो नीचे यहाँ रखा हुआ है भाई, इसी ईंट पे गलती से पैर पड़ गया, और भाई उछल के ऐसा लगा है पैर में ही लगा कि भाई क्या ही बताऊं, और एकदम भाई हड्डी पे लगा है। तो भाई साहब ऐसा लगा कि मतलब इस देखो इस जगह पे लगा भाई, लगा कि यार अभी मैं गिर जाऊंगा, मतलब जो खतरनाक ये ईंट लगा है मेरे पैर में कि भाई सांस तक नहीं ली जा रही थी, लेकिन फिलहाल अब सही हो गया है। तो अभी करते हैं भाई ट्रैक्टर को बाहर, सुबह ये गया भी था भाई जुताई करने के लिए, तो ड्राइवर साहब ने इसको ले गया था और वो लाके खड़ा कर दिए। अब भाई ले चलते हैं, ओ तेरी, रुक जाओ भाई स्टार्ट करता हूँ मैं। देखे पहले भाई डीजल उजल डाल रखा है कि नहीं किसी ने, हाँ है तो भाई थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म कर दिया, नहीं तो भाई जानते हो क्या होता है,
यार ये लोग चलाते हैं ट्रैक्टर फिर डीजल खत्म कर देते हैं, बताते भी नहीं कि ड्राइवर लोग कि भाई डीजल खत्म हो गया है डाल दो या क्या। कंडीशन ये हो जाता ना भाई कि ट्रैक्टर बंद हो जाता है और फिर जाके डीजल लाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बाकी थोड़ी लापरवाही रहती है तो कोई ना, हम तो ध्यान रखते हैं भाई अपने ट्रैक्टर की। आपके सामने ही देख लो भाई, तार लग गया। भाई ये तार भी साथ ही साथ चल रहा है मेरे। लो भाई हमने कर दिया यहाँ पार्क, और हमें ये भी पता भाई कि हवा काफी तेज चल रही है, मतलब कि ये मान लो कि ये हवा भी आ रहा होगा आवाज इसका। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार घर के साइड ले चलूं, क्योंकि यहाँ पे यार अगर मैं शूट करूंगा और बताऊंगा तो आपको सुन पाओगे नहीं, तो वो चीज सही नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा भाई हम लेके चलते हैं उसी साइड। बस मसला ये फंस रहा है कि भाई यहाँ कोई तार ले गया है जो कि लटक रहा है, इसलिए मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा था, बट अब क्या करेंगे, अब लेके ही चलते हैं। चलो भाई मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ ले आया ट्रैक्टर को घर के सामने और यहाँ खड़ा कर दिया। अब यहाँ भाई हवा भी नहीं आएगी और वीडियो भी अच्छे से बन जाएगी। तो अभी देखो जो सारी सेटिंग्स हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखते हो कि एक यहाँ पे नट दे रखा है कुबोटा वालों ने, तो इसको मैंने एकदम टाइट कर दिया है। तो स्टार्ट मैं यहीं से करूंगा, और भाई ये पूरा पोर्शन ये जो हिल रहा है, भाई इस चीज को आप, यही पूरा वर्क करता है एक्सिलरेट करने के ट्रैक्टर को। देखो इसको मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये पार्ट पूरा वहां से आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहां से देखते हुए जाओ कि ये कहां गया है एंड पॉइंट तक। अब एंड पॉइंट आपको अच्छे तरीके से तभी दिखेगा जब मैं इस बोनट को ऊपर उठाऊंगा, तो आप भी इसको ऊपर कर लेना। बाकी पूरी सेटिंग बताने वाला हूं मैं, नॉर्मल सी सेटिंग है और इसमें कोई ख़ास ना किसी चीज़ का, ना किसी नट का आपको यूज़ पड़ेगा, ना किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप जो करोगे खुद ही एक सिर्फ प्लास से कर लोगे, और शायद एक रिंच भी लेनी पड़े आपको, तो वो चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल होंगी, आसानी से मिल जाएंगी और भाई आप कर लोगे। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा, आपके कमेंट पे ही मैं बताने को इसको सोचा और वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग होपफुल कि आप लोग सपोर्ट करोगे, मेक श्योर कि आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरी वीडियो शेयर करोगे, और चैनल पे भाई जितने नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो भाई चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे कि भाई आपका ये जो एक्सीलरेटर वाला सिस्टम है जहाँ से आप ट्रैक्टर एक्सीलरेट करते हो, सबसे पहले आप इसके नीचे एक नट दे रखा है जो कि भाई ऊपर था पहले, और इसको मैंने टाइट करके नीचे कर दिया है। तो आप कोई भी रिंच या कुछ भी यूज करके, या प्लास से ही अगर हो जाए तो भाई इसे टाइट कर लेना, और जब ये टाइट हो जाए फिर भी आपका ये पूरा नहीं दबेगा, देख लो यही नट रोकता है, यहाँ तक आके रुक जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक आते ही ये रुक जाता है और ये पूरा फिर भी नहीं दबेगा, टाइट करने के बाद यहीं तक ही आएगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आप धीरे धीरे भाई इस साइड आना और बोनट को कर देना ओपन यहाँ से। भाई ये है बोनट ओपन करने का ऑप्शन। अब लो ये पूरा ट्रैक्टर का इंजन ओपन हो गया, और जो कि सब कुछ दिख रहा है आपको। तो भाई उसके बाद का जो सिस्टम है कि आप इसको निकालोगे, भाई इसे निकालने के लिए आपको तीन नट खोलने पड़ेंगे, जो कि एक यहाँ पे, एक यहाँ,
और भाई तीन नहीं सिर्फ दो ही हैं, तो इन दोनों को भाई देखते हैं, अगर प्लास से खुल जाए तो भाई अच्छी बात है, और वो ऐसे ही ये खुल गया ईज़ली, तो आप लोग भी ये काम ईज़ली कर सकते हो, ऐसे खोल सकते हो नट को। फिर आगे आप देखते जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा स्पीड बढ़ाने के लिए। ये लो ये खुल गया, अब बारी है इस वाले। इस मैंने जैसे तैसे करके इस नट को भी खोल दिया और इसको ऐसे निकाल लेना, ठीक है। ये पार्ट आपका देखो निकल गया, इसे साइड में फेंक दो। फेंको मत भाई, काम भी आएगा आपके, फिर आपको लगाना भी है, तो मतलब रख दो साइड में। उसके बाद यहाँ देखो भाई, आप जब इसको दबाओगे तो फिर यहाँ देखना, यहाँ कुछ ऐसे ही वर्किंग हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पे एक तार बंधा हुआ मिलेगा, ये जो होल दे रखा है नट के अंदर, इस नट में एक तार बंधा हुआ मिलेगा, और जो कि ये नट इस साइड निकला हुआ रहता है पहले। ये देखो ना, मैंने टाइट करके इसे अंदर कर दिया है इस नट को। आप जब इसे टाइट करोगे, टाइट मतलब कि ऐसा करना, उस तरफ टर्न करना इस नट को कि यहाँ अंदर चला जाए ये, और जब ये अंदर चला जाएगा तो ये पार्ट यहाँ जब आता है, अभी देखना आप, मैं दबाऊँगा एक्सीलेटर को, तो भाई यहाँ नट रहता है तो यहीं तक आके ही रुक जाता है यहीं पे ही, और जब ये नट टाइट हो जाएगा तो ये पूरा यहाँ तक चला जाएगा। आप देख लो पूरा वहाँ तक जा रहा, बाकी आप जितना दबा पाओगे उतना ये जाएगा और उतना ही स्पीड इसकी बढ़ेगी। बाकी ये मैंने नॉर्मल सा ही बताया इसको बढ़ाने का, इसका पूरा सिस्टम। तो गाइज आपको जब ये आप नट टाइट कर लेना, सारी चीज़ें यहाँ कर लेना, तो ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेना, अगर ये ना किए रहोगे टाइट तो इसको भी टाइट कर लेना, और टाइट ना कर पाना तो भाई इसे निकाल लेना। नीचे से भी एक नट दिया रहेगा, उसको भी ढीला करना और इसको ऊपर की तरफ ढीला करके निकाल लेना। फिर आपको करना ये है, इस नट को तो आप टाइट ही कर लोगे ऑलरेडी, फिर आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करना और नॉर्मल एक्सीलरेट करना, मतलब कि पहले आपके ट्रैक्टर का आरपीएम जो है वो कहाँ तक जाता रहा होगा, आपको बता दूँ कि 2700 तक ही जाता रहा होगा। और जब आप ये सारी इसके फंक्शन को आप जब चेंज करते हो, मतलब इसका जो एक्सीलरेटर का पूरा सिस्टम है, तो ये आरपीएम पूरे 3000 पे जाता है, मतलब ये 300 आरपीएम तीन पॉइंट बढ़ के 3000 पे पहुंच जाता है। मैं आपको ट्रैक्टर पे चढ़ के दिखा दूं कि पहले कितना रहता और बाद में क्या होता है, तो ये 45 का बता रहा हूँ, 5502 का भाई कोई आइडिया नहीं है। तो ये देखो, ये पहले कहाँ तक जाएगा आपका, 2700 तक जाएगा, 2700 आप देख रहे होगे कहाँ पे है, फिर 28, 29, 30, मतलब 2700 आरपीएम पे आपका ट्रैक्टर जाके रुक जाएगा, कितना भी आप एक्सीलेटर दबा लोगे। लेकिन जैसे ही आप गाइस इसको अपग्रेड करते हो, मतलब अपने ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाते हो, वो सीधे भाई 3000 पे जाएगा। अब आप 3000 के प्लस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई देखो, साफ सी बात है कि मतलब इतना भी आप मत बढ़ा लेना कि आपका कोई भाई नुकसान हो जाए, जैसे एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि यार इतना तो मैं जो स्पीड बता रहा हूँ ये नॉर्मल सी स्पीड बढ़ेगी, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा, जो कि आप लोग मेरी वीडियोस में देख रहे होगे, तो इससे भाई आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मेरे ट्रैक्टर की स्पीड अब बढ़ गई है, और आप किसी से भी रेस लगा सकते हो, किसी अदर ट्रैक्टर से तो आपका ही जीतेगा, तो ये बेनिफिट तो हो ही जाएगा। बाकी आप लोग इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, नहीं तो भाई अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर हो जाएगा तो फिर उसमें सब आपका ही नुकसान रहेगा, जिसकी वजह से मैं भाई इतनी बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ज़्यादा मत आप छेड़ना स्पीड को, और अगर और भी स्पीड चेंज करना हो, मतलब और भी अपग्रेड करना हो, और भी बढ़ाना हो, तो वो भी मैं सिस्टम आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक प्लेट निकालना पड़ेगा ट्रैक्टर का, जो कि मैं अभी किया नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है,
ये आप पहले ये देख लो, ये चीज़ जो है, ये प्लेट जो लगी है यहाँ पे, चार नट लगे हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों नट्स को खोल के इसको आप निकालोगे प्लेट। उसके बाद भाई आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो एक्सीलरेटर का पूरा सिस्टम है, जहाँ से आप एक्सीलरेट करते हो ट्रैक्टर को, इसको भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा और ऊपर उठा रहा है। या फिर आपको इसको चेंज करके दूसरा ही लगाना पड़ेगा, तो वो क्या फंडा है वो अलग ही है। मतलब तब आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो चीज़ें मैंने बताई, इसमें आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप नॉर्मली स्पीड अपग्रेड कर लोगे बिना किसी चीज़ के, मतलब प्लास और रिंच वगैरह लेके, तो ऐसा ही कर लोगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको भाई मैकेनिक से मिलना पड़ेगा, और जो सामान आप इसमें लगाना चाहोगे उसको लेके भाई बात करनी पड़ेगी और उसको सेट करना पड़ेगा, तब भाई और भी ज़्यादा ये अपग्रेड होगा। और रही बात भाई, आप लोग सोच रहे होगे कि इसमें टर्बो इंजन नहीं है, तो भाई टर्बो भी इसमें फिट हो सकता है। अब ये भाई आगे मैं इसकी थोड़ी, इसके बारे में रिसर्च वगैरह कर लूँगा, तो वो आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगा कि टर्बो का क्या सिस्टम है और कैसे सेट हो सकता है इसमें, तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में जो बताया हूँ, आप इसको देखो और इसको करो, ट्राई करो। अगर नहीं बढ़ती है स्पीड तो भी मुझे बताना, लेकिन इतनी भाई मेरी गारंटी है कि स्पीड इसकी 100% की स्पीड बढ़ जाएगी, और ये 45 से 50 की स्पीड चली जाएगी इसकी, जब जो कि 40 के अंदर रही होगी वो 45 से 50 हो जाएगी। तो भाई 5502 का भी मैं बता दूंगा, अभी तो फ़िलहाल घर पे 5502 है नहीं, तो बताते हैं आपको शोरूम पे जाके। शोरूम पे तो है ही, तो वहाँ जाएंगे तो भाई उसके बारे में भी बताएंगे कि उसकी स्पीड कैसे अपग्रेड करें। भाई फाइनली मैं जो भी चीज़ें थी ट्रैक्टर से रिलेटेड, मतलब स्पीड को लेके, वो मैंने बता दिया है, और होप करता हूँ भाई कि आपको पसंद भी आई होगी। तो अभी देखो ट्रैक्टर भी खुला खुला सा है, तो इसको हम बंद करेंगे, लेकिन बंद करने से पहले वीडियो सोचा एंड कर दूं। और जो भी नॉलेज थी, मैंने जितने भाई कमेंट किए थे, आप लोग के कमेंट की ही वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो भाई उम्मीद यही है कि आप लोग सपोर्ट भी दिखाओगे, कि आपका भाई जो जो चीज़ें आप कह रहे हो वो आपका भाई करके दिखा रहा है, तो जिसकी वजह से आपको भाई थोड़ी सपोर्ट तो दिखानी ही चाहिए। बाकी आज की वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर।